ఆగస్టు 9వ తేదీన ఇంద్రవెల్లిలో రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో జరిగే దళిత ఆదివాసీ దండవర కార్యక్రమానికి సంబంధించి స్థలాన్ని పరిశీలించిన ఆదిలాబాద్ మరియు ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు సజీద్ ఖాన్, విశ్వప్రసాద్ ఈ కార్యక్రమంలో గణరాజ్ సుజాత, భరత్ చౌహాన్, గణేష్ రాథోడ్, గణేష్ రెడ్డి, నర్సయ్య, నరేష్ జాదవ్, వన్నెల అశోక్ మండలాల అధ్యక్షులు నాయకులు పాల్గొన్నారు. हमारे को बोल के गए, मैं फिर आ रहा हूँ. जितने आदिवासी है यहाँ पर, जितने दलित है, माइनॉरिटी है, टीआरएस पार्टी जितना भी जुल्म कर रही, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से पोराटम स्टार्ट करेंगे. साजिद भाई बोल के गए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. वादे के हिसाब से 9 अगस्त के दिन यहाँ पर आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी के तरफ से, उम्मड़ी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सारे लोग मौजूद हैं. सबको नमस्कार बोलते हुए, छोटे कार्यकर्ता से लेके और मेहमान, उनका नाम लेना जरूरी समझता हूँ. मेरे विश्व प्रसाद राव आसिफाबाद के डीसीसी प्रेसिडेंट है, और ZPTC से कॉन्टेस्टेड MLA से, एस्पिरेंट से, ये सारे लोग, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, SC ST BC आदिवासी सारे लोगों को मैं नमस्कार करते हुए आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब, हम खुशकिस्मत है कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से, इंद्रवेल्ली से ये कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं. ये कार्यक्रम स्टार्ट करने का अहम मकसद यही है, जिस तरीके से हमारे और भी लोग बोले कि पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसरों का जो जुल्म इस एरिया में हो रहा है, टीआरएस पार्टी के गुंडे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ज़माने में 2014 से पहले जो भी पट्टे दिए थे पोटभूमि लोग, उनको आज तक सता रहे, ज़मीन खाली करो बोल के बोल रहे, और आदिवासियों को जो सो रईतु बंधु स्कीम नहीं आ रही, वो लोगों को डबल बेडरूम नहीं दे रहे, वो लोगों को, यहाँ के लोगों को 3 एकड़ ज़मीन नहीं दे रहे, तो कुछ इश्यूज़ लेकर रेवंत रेड्डी साहब ये चाहते हैं कि हुजूराबाद में ही दलित नहीं है, हुजूराबाद में ही लोग नहीं है, पूरे तेलंगाना के तुम CM हैं, पूरे तेलंगाना के लोगों को जो सो आप मदद करना चाहिए बोल के यहाँ से स्टार्ट करते हुए सारे कम्युनिटी के लोग, SC ST BC माइनॉरिटी सभी लोगों का साथ देने वाली कांग्रेस पार्टी है. और हमारा टाइगर, हमारा बास TPC रेवंत रेड्डी साहब का ये जो प्रोग्राम है, मैं आदिलाबाद, उम्मड़ी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम को सक्सेस करें. और जगह देखने का काम, पार्किंग देखने का काम सारे लीडर्स मिलके कर रहे हैं. एक अच्छा अरेंजमेंट, लोगों को भी तकलीफ नहीं हुए जैसा, और आने वाले लोगों को जो सो अच्छी तरीके से बिठा कर उनको सभा में जो सो रेवंत रेड्डी साहब का क्या संदेश